व्हाट्स अप लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका स्वागत है हमारे एक और नए और एक्साइटिंग एपिसोड में। और आज के एपिसोड की स्टार्ट हम करेंगे बहुत सारी CS:GO न्यूज के साथ। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे फेज क्लैन को, जिन्होंने हाल ही में जीता ESL प्रो लीग का खिताब और साथ ही ढेर सारे पैसे। उसके बाद जानेंगे कि कैसे एक चीटर को मिला है CS2 के बेटा का एक्सेस, इसमें भी एक फन स्टोरी है। आगे बढ़ेंगे जहाँ पे डेड बाय डेलाइट की मोबाइल गेम को भी मिल सकता है बैन हैमर, और साथ ही साथ नॉर्वेन गेमिंग के वैलोरेंट चैलेंजर्स साउथ एशिया के ऊपर हम नजर डालेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, दिस इज सुपर जॉनी एंड यू गाइस आर वाचिंग ईस्पोर्ट्स 360। फेज क्लैन ने हाल ही में जीता ESL प्रो लीग सीजन 17, जो कि एक काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंसिव का टूर्नामेंट है। लेकिन इस न्यूज में बस इतना ही नहीं है, फेज ने साथ ही साथ अपना इंटेल ग्रैंड स्लैम का रन भी पूरा किया है, विच गेट्स देम अ बोनस ऑफ $1 million। फेज क्लैन ने क्लाउड 9 को ग्रैंड फाइनल्स में 3-1 से हरा के $200,000 का प्राइज मनी अपने नाम कर लिया। साथ ही साथ IEM कैडोविच से IEM कलोन एंड ESL प्रो लीग सीजन 15 जीतने के लिए इंटेल से फेस को मिला है $1 million का बोनस। अभी ये देखा ना CS:GO में कितना पैसा है, और CS2 भी साथ ही साथ आ रही है, तो जल्दी से जाओ प्रैक्टिस करनी शुरू करो। हु नोस, फ्यूचर में शायद आप मेजर खेलते हुए नजर आओ। अब जब मैं CS:GO और कुकली साथ में बोलता हूँ, सबको पता है मैं किस प्लेयर की बात कर रहा हूँ। मैन हू गॉट फेमस फॉर द रॉन्ग रीजंस। इस फॉर्मर टाइटन प्लेयर को अपने वैक बैंड अकाउंट पे CS2 का एक्सेस मिला है। मजाक लग रहा है ना? वेल, ये मजाक ही है। कुकली ने रिसेंटली अपने ट्विटर पे शेयर किया कि उसको वैक बैंड अकाउंट पे CS2 का बेटा रिक्वेस्ट आया है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये बेटा खेल नहीं पाएंगे। अब किसको पता था कि वैल्व में इतना सेंस ऑफ ह्यूमर है कि वो एक बैंड प्लेयर को ट्रोल करने के लिए ये स्टेप्स उठाने वाले हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी, लाइफ कम्स अ फुल सर्कल, सो डोंट चीट। अभी हाल ही में एक नई गेम आई थी, डेड बाय डेलाइट मोबाइल। इस गेम के डेव्स ने रिसेंटली ट्विटर पर रिवील किया है कि इस गेम को इंडिया में बैन किया जाएगा, और इसी वजह से ये गेम हर एक स्टोर फ्रंट से हटने वाली है। डेड बाय डेलाइट मोबाइल के डेव्स ने ट्विटर पर रिवील किया है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इंडिया में इंटरिम ऑर्डर डाला है, जिसके कारण उनको अपने गेम ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से हटाने पड़ रहे हैं। अगर बाद में ये डिसीजन चेंज होता है तो ट्विटर में हम सबको इसका अपडेट मिल जाएगा। अब बात करते हैं नॉर्वेन गेमिंग के वैलोरेंट चैलेंजेस साउथ एशिया के बारे में, जिसका नया हफ्ता आज से शुरू हो रहा है, और इस वीक की स्टार्ट होगी ओरंगुटान वर्सेस मेडल ईस्पोर्ट्स के मैच के साथ। लेकिन बस इतना ही नहीं, इस हफ्ते में और भी एक्साइटिंग मैचेस लाइंड अप है, लाइक द वन वेयर एस्टर आर्मी विल फेस ऑफ अगेंस्ट लीथल ईस्पोर्ट्स। तो लैन का पूरा एक्सक्लूसिव मजा उठाने के लिए नॉर्वेन गेमिंग के लोको पेज पर जाइए और उन्हें फॉलो कीजिए, हम लोग आपको वहीं पर मिलेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, मैं आपके साथ फिर जुड़ूंगा हमारे अगले एपिसोड में विद अ लॉट मोर एक्साइटिंग ई स्पोर्ट्स कॉन्टेंट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, अंटिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर, बाय बाय।